राम भक्तों का करीब 500 साल का लंबा इंतजार आज खत्म हो गया है। प्रभु श्री राम अब अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। 500 वर्षों की तपस्या पूरी हुई, पूरे भारत में खुशी दिख रही है और सभी के जुबान पर जय श्री राम के नारे हैं। वहीं अगर बात करें समाज की तो सभी समाज के लोगों में खुशी दिख रही है। राम भक्त अपनी भक्ति में धूम मचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के सेक्रेटरी एडवोकेट संदीप जाधव के नेतृत्व में गोरेगांव पश्चिम में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया। अयोध्या रामलला प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 125 किलो बूंदी वितरण किए गया, जिसमें मौजूद रहे मंसूर शेख और संजय कलवार ने सबसे महत्वपूर्ण योगदान देकर कार्यक्रम को सफल बनाए। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का सेक्रेटरी हूँ और आप यहाँ पे आज देख रहे हो कि यहाँ पे आज सबसे सौभाग्य का दिन है और बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है। आज जो है अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी का, रामलला जी का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा गौरव की बात है। और इस एक पवित्र पावन अवसर पर आज यहाँ पर लक्ष्मी नगर में गोरेगांव पश्चिम यहाँ पे ये प्रसाद वितरण का काम कार्य किया जा रहा है। 125 किलो बूंदी और यहाँ पे कम से कम 100 डजन केला, इसका वितरण यहाँ पे लोगों को किया जा रहा है और ये बहुत ही आनंदित की बात है, बहुत गौरव की बात है। और इसमें हजारों से ज्यादा लोग इसमें इस प्रसाद का एक प्रसाद ले रहे हैं और बहुत ही ये खुशी की बात है। तो सर आप कब जा रहे हैं अयोध्या दर्शन के लिए रामलला के? अभी अगले महीने में जो है हम यहाँ के रहवासी अयोध्या दर्शन के लिए जाने वाले हैं। और खास करके यहाँ पे एक बात ऐसी है कि हमारे यहाँ पे निसार भाई है, तो मंसूर भाई है और मंसूर भाई ने यहाँ पे ये कार्यक्रम करने के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम किए है और इनके जरिए ही ऐसा समझा जाए कि इनके जरिए ही यहाँ पर ये कार्यक्रम होने जा रहा है और संपन्न हो रहा है। और ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक है और मंसूर भाई खुद जो है खुद कल से लगे हुए हैं और बहुत ही ये खुश थे कि आज जो है प्रभु रामलला जी का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, हो गई और बहुत इसमें जो है इसमें ये बहुत शरीक हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। उद्घाटन किए हैं तो हम लोग तो जा नहीं सके, तो हम लोग अपना खुशी यही मना रहे। हमारे सब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है भाई सब मिल के रहते हैं, कभी कोई बेबात नहीं होता है, जो भी रहता अपने में समझ लेते हैं, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं, कुछ बात नहीं, हमारे एकदम सुकून से हैं और ऐसे सुकून से हर देशवासियों को रहना चाहिए।
तो सर सुबह से कब से कार्यक्रम चालू होगा, रात कब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा, कब तक वितरण करेंगे आप? ये शाम तक चलेगा और ये करीब 12:48 से चालू हुआ है, 12:30 बजे। सर राम भक्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अयोध्या गए हैं दर्शन के लिए, लाखों की तादाद में भीड़ है वहाँ पे? राम जो गए हैं उनको मैं यही बोलूँगा कि आराम से सुकून से बारी बारी अपना दर्शन करो और दर्शन करके अपने अपने घर पे जाओ। सर हिंदू मुस्लिम का आपको देखकर एक मिसाल लग रहा है कि आप मुस्लिम हो के भी हिंदू धर्म को इतना मानते हैं, तो जो मीरा रोड में नया गाँव में जो उपद्रवियों ने अत्याचार किया उसको क्या कहना चाहेंगे? भाई वो तो मैं देखा नहीं हूँ, और रही बात ये कि जो यहाँ पे हुआ जो हो रहा है आज से नहीं, आज मैं कम से कम तो 78-79 से हूँ मैं, और यहाँ पे कहीं कभी ऐसा हुआ नहीं, ना हिंदू मुस्लिम कोई लड़ाई नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ, हम सब मिलके एक रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। सर आप क्या कहेंगे जो भी वहाँ पे लाखों की तादाद में राम भक्त गए हैं अयोध्या दर्शन के लिए, उनके क्या कहेंगे भक्तों के लिए, क्या कहेंगे राम भक्तों के लिए? जो लाखों की तादाद में राम भक्त जो है वो अयोध्या में दाखिल हो चुके हैं आज, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश किस्मत है, खुश नसीब है, और मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और हर भारतवासी ने, मैं तो कहता हूँ हर भारतवासी ने जो है प्रभु राम लल्ला का दर्शन करना चाहिए अयोध्या में जाके, जो 500 वर्षों की तपश्चर्या है, 500 सालों के बाद में प्रभु राम लल्ला जी जो अयोध्या में पधारे हैं, तो इससे बड़ी बात और इससे गौरव की बात और इससे खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती है। हम सब कृतकृत्य है और हम सब जो है बहुत खुश है कि आज जो है हमारे प्रभु रामलला जी जो है वो अयोध्या में पधारे हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। जय श्री राम। यहाँ पे जो रामलला का प्रसाद दिया जा रहा है उसके बारे में क्या कहना है? मेरा नाम हेमेंद्र पाटोल है और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोशीराव जो जिला है उसका सामाजिक समरसता का संयोजक है, अपने पास दायित्व है। हम समाज के अंदर घूमते हैं तो हमें जाति व्यवस्था बहुत प्रकट से दिखाई देती है। देखिए एक अपवाद है इस लक्ष्मी नगर का, यहाँ पर हम मेरे बड़े भाई है मंसूर भाई, एक बहुत बड़े गणेश भक्त है, गणेश भक्त होने के साथ साथ राम भक्त भी है, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही अपने जादव साहब भी है, वो जाति व्यवस्था के जो दलित प्रमुख है मुंबई के, इनका भी यहाँ पे मार्गदर्शन है, अंबादी नाइक है, मिश्रा जी है, हम सब मिलकर एक राम राज्य की स्थापना कैसे हो उसका एक उदाहरण है कि सभी लोग मिलकर राम को कैसे चाहते हैं, प्यार करते हैं, उसका अच्छा उदाहरण इस लक्ष्मीनगर में और यहाँ पर जो प्रसाद वाटर हो रहा है इसके उपलक्ष्य में आपको दिखाई दे रहा है। मैं सभी से एक अनुरोध करूँगा कि आने वाले दिनों में आप अयोध्या जरूर जाइए और राम जी का दर्शन कीजिए। सर मोदी जी ने कहा है कि दीप जलाएं स्वागत के लिए, क्या कहेंगे उसको? मोदी जी का तो आज्ञा है, वो सराखों पर अलग बात है, लेकिन लोग यहाँ पे जो जनता, भारत की जो जनता है अपने मन से अपनी इच्छा से घरों में दिवाली का उत्सव मनाने जा रही है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम तो दिवाली हर साल मनाते हैं, इस बार की जो दिवाली, इस बार की जो दिवाली है 500 साल के बाद जो आने वाली दिवाली है इस बार हम लोग मनाने जा रहे हैं। दिवाली तो हर साल मनते हैं लेकिन 500 साल की दिवाली इस बार मनाई जाएगी। थैंक यू।